तो ये सवाल जे एडवांस 2021 का वर्नियर कैलिपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस पे बेस्ड ये सवाल करते देखिए। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन किस पर है, किस पर है? मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल का एक डिवीजन दिया हुआ है, मतलब 1 एमएसडी आपको दिया हुआ है, कितना? 0.1 सेंटीमीटर। ये तो ऐसे भी नॉर्मली भी होता है। फिर आगे क्या कह रहा है, 10 डिवीजंस ऑफ वर्नियर स्केल कोरिस्पोंड्स टू 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो स्टैंडर्ड में तो यही होता है, 10 बीएसडी इज इक्वल्स टू 9 एमएसडी। तो ये अंडरस्टूड सी बात हो गई कि 10 बीएसडी इज इक्वल्स टू 0.9 सेंटीमीटर, है ना जी। तो एक बीएसडी का वैल्यू 0.09 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 एमएसडी माइनस कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट निकल गया। तो पहले से ही पता था, अगर नहीं भी दिया आपका। अब आगे कह रहा है कि फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर विथ नो गैप बिटवीन इट्स टू जॉस। ये जो पहला डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये तब का डायग्राम है जब दोनों जॉस के बीच में कोई गैप नहीं है। कोई गैप नहीं मतलब कुछ पुट नहीं किया इन बिटवीन। तो ये किसकी बात कर रहा है? जीरो एरर। ये जो पहला बात लिखा है ये किसके लिए लिखा है, पहला डायग्राम जीरो एरर के लिए लिखा है। और कैसा जीरो एरर है? तो देखिए, इसका जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के कहां है, लेफ्ट। तो ये कैसा जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये देखिए पहला है, ये दूसरा कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वर्नियर स्केल का छठा डिवीजन मेन स्केल के किसी लाइन के सीध में है ना। अब ये जीरो एरर कितने का है ये निकालना, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो पहला फॉर्मूला नेगेटिव जीरो का हम लोग याद किए, माइनस 10 माइनस 10 इनटू लीस्ट काउंट। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हैं, माइनस 10 माइनस n का वैल्यू कितना हो गया, 6 इनटू लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.01। तो ये हो जाएगा माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो एक तरीका तो है कि आप ऐसे निकाल लीजिए। दूसरा तरीका हमने आपको ये से भी सिखाया है कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये लेंथ लिखेंगे और ये लेंथ लिखेंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही ये लेंथ होगा, बोलो। तो ये लेंथ कितना, ऊपर वाला लेंथ, ये देखिए मेन स्केल का ये पांचवा डिवीजन है, देखिए ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 एमएसडी के बराबर, 5 और 1 एमएसडी कितने के बराबर है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर, बोलो। और नीचे वाला ये लेंथ कितना होगा, 6 बीएसडी के बराबर, कितने के बराबर, 6 एक बीएसडी कितना है, 0.09। तो 6 बीएसडी कितना होगा, 0.54 सेंटीमीटर, 0.54। दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, ये 50 है और ये 54 है, डिफरेंस 0.04 का होगा, और क्योंकि लेफ्ट साइड में है 0 इसलिए नेगेटिव 0। नहीं समझ में आया? अरे भाई, ई लेंथ कितना, 6 बीएसडी, 6 तो 1 बीएसडी कितना है, तो 6 बीएसडी 0.54 माइनस 0.50 कितना, वही तो लिखें 0.0, पर माइनस क्यों लिखें, क्योंकि लेफ्ट में, इसमें कहां नहीं समझ में आया। आगे चलिए, द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद अ सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉस। अब सॉलिड स्फीयर को रख करके हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या पूछा है, द करेक्ट डायमीटर, डायमीटर पूछा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। देखिए ये क्या करते हैं हम लोग, मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जिस रीडिंग के बाद शुरू हो, जस्ट बात। तो देखिए ये मेन स्केल का 3.1 है, ये 3 लिखा हुआ है, तो ये कितना होगा, 3.1 सेंटीमीटर, जिसके जस्ट बाद वर्नियर स्केल का जीरो शुरू हो रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया हमारा, 3.1 सेंटीमीटर। और वर्नियर कोइंसिडेंस, तो पहला वाला ही कोइंसाइड कर रहा है, देखिए पहला वाला ही। तो रीडिंग का क्या फॉर्मूला होता है,
रीडिंग इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ कितना मेन स्केल रीडिंग 3.1 सेंटीमीटर प्लस n का वैल्यू 1 इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर कितना हो गया 3.11 सेंटीमीटर। इस रीडिंग को हम लोग कहेंगे कैलकुलेटेड रीडिंग, क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें एरर भी है इसलिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा और वो स्टेप क्या होगा, हम लोग एक्चुअल रीडिंग लिखेंगे, हम लोग एक्चुअल रीडिंग लिखेंगे। एक्चुअल रीडिंग क्या लिखते हैं, कैलकुलेटेड रीडिंग माइनस एरर विद साइन, कैलकुलेटेड रीडिंग माइनस एरर विद साइन, और कितने का एरर है माइनस 0.04 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3.15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो इसको आप नोट कर दीजिए, आप चाहो तो डायग्राम मत बनाइए, सिर्फ लिख लीजिए जे एडवांस 2021 ये क्वेश्चन लिख लीजिए और लिख लीजिए लेफ्ट फिगर नेगेटिव जीरो एरर n इज इक्वल्स टू 6 और राइट फिगर में मेन स्केल रीडिंग 3.1 और n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि आप ये डायग्राम बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा और उतना बना भी नहीं पाइएगा। ये सवाल देखिए जे एडवांस 2016 का ना, ये जे एडवांस 2016 का सवाल है और इसमें सवाल ये दिया हुआ है कि देर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। दो वर्नियर कैलिपर है C1 और C2, दोनों में 1 सेंटीमीटर को हमने क्या किया है 10 डिविजन में डिवाइड किया है मेन स्केल, मतलब क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। देखिए मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा है, एक लाइन पढ़ा उसका मीनिंग लिखा मैथमेटिकल, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 1 एमएसडी का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, 1 एमएसडी का वैल्यू। तो इस कैलिपर 1 के लिए भी 1 एमएसडी कितना लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर और इस कैलिपर 2 के लिए भी 1 एमएसडी कितना लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। आगे चलिए, द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 has 10 equal divisions, इस पर इसके वर्नियर स्केल पे 10 divisions हैं, मतलब 10 VSD, which corresponds to 9 main scale division, so this is equals to how much 9 main scale division, तो यहां से हम लोग एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 main scale division का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक main scale division 0.1 सेंटीमीटर, तो 9 का वैल्यू 0.9 सेंटीमीटर, बोलो और यहां 10 VSD था ना, तो 10 को डिवाइड भी करना है तो 0.09 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए एक VSD और एक MSD में कौन बड़ा है, देखिए ये 0.10 लिखा हुआ है और ये 0.09, तो कौन बड़ा है 1 MSD बड़ा है, मतलब ये जो कैलिपर है ये नॉर्मल कैलिपर है, ये कैलिपर कैसा है। लेकिन अगला देखिए, the vernier scale of the caliper C2 has 10 divisions, C2 में भी 10 division है, 10 VSD, that corresponds to 11 main scale division, 11 MSD के बराबर है, तो 1 VSD कितने के बराबर होगा, पहले 11 MSD लिख दो, तो 11 into 0.1, 1.1 centimeter हो जाएगा, और 10 divide में गया, कितना हो गया, 0.11 centimeter। अब इसमें देखिए एक VSD का वैल्यू है 0.11 सेंटीमीटर और एक MSD कितना है 0.10 सेंटीमीटर, तो कौन बड़ा, एक VSD बड़ा है, तो ये वाला वर्नियर कैलिपर कौन सा है, एबनॉर्मल वर्नियर कैलिपर। और क्या सीखा था हमने कि नॉर्मल के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास, दोनों में से कोई लगा लीजिए, पहला फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट और दूसरा की मैचिंग डिवीजन से काउंट कर लीजिए, लेकिन एबनॉर्मल के लिए मैचिंग डिवीजन से ही काउंट करना है, इसके लिए वो MSR प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट नहीं लगा सकते, तो हम लोग दोनों के लिए मैचिंग वाला से ही कर लेते हैं। देखिए ये मेन स्केल का 2 है, यहां का ही मेन स्केल का 0 रहा होगा, बोलो
और रीडिंग का मतलब क्या होता है, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो, इसको हम लोग एक्स एक्स वन कह दे रहे हैं, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो कितना दूर है, इसी को तो रीडिंग कहते हैं जी। बोलो तो पहले आप मैचिंग डिवीजन देखिए, ये नहीं कॉन्साइड कर रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला कॉन्साइड कर रहा है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन ये वाला कॉन्साइड कर रहा है, ये वर्नियर स्केल का सातवां डिवीजन है, वर्नियर स्केल का, और ये मेन स्केल का 3.12345 सेंटीमीटर कितना है। तो अगर मुझे ये x1 निकालना है तो आप देखिए ये लेंथ कितने के बराबर, 3.5 सेंटीमीटर, मेन स्केल पे रीडिंग कितना है और वर्नियर स्केल पे ये कितने के बराबर होगा, 7 BSD, ये कितना होगा 1 BSD, इस केस का निकालें 0.09, 7 BSD कितने के बराबर हो जाएगा, 0.63 सेंटीमीटर। तो ये x1 कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस 0.63, माइनस करेंगे तो 10 में से 0 गया 3, 14 में से 6 गया 8, 2.87 सेंटीमीटर। तो कैलिपर 1 का रीडिंग 2.81 सेंटीमीटर होगा, किसमें किसमें 87 होगा, इसमें 2.85 लिखा हुआ, यहां 2.87 है, यहां है, यहां, तो ये वाला तो नहीं होगा, ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए तुक्का भी मारेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी भर गया आपके तुक्का मारने का, है ना। तो तुक्का ऐसे ही क्वेश्चंस में मारें, अगर कभी एग्जाम में मारना हो तो वैसे भी मारें जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सही होने का, एक इलिमिनेट हो गए हो या दो इलिमिनेट हो गए हो आपके नॉलेज से, तभी तुक्का मारें, और तीन इलिमिनेट हो जाए तो तब तो तुक्का मारने का जो है नहीं। ठीक, आगे चलिए, आगे चलिए, आपसे कैलिपर 2 का रीडिंग पूछा है, तो कैलिपर 2 में भी इस तरह कहीं जीरो होगा, कैलिपर 2 में भी इस तरह कहीं जीरो होगा मेन स्केल का, और मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल के जीरो तक के रीडिंग को ही इसका रीडिंग कहेंगे x2। अब इसमें देखिए दूनी कौन सा डिवीजन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ये वाला है, फिर से वर्नियर स्केल का 7 ही है, लेकिन इस बार मेन स्केल का 3.12345 है, ये कितना है, तो ये हो गया मेन स्केल पे रीडिंग, मेन स्केल पे रीडिंग कितना हो गया 3.6 सेंटीमीटर, और ये हो गया वर्नियर स्केल पे रीडिंग कितना, 7 BSD, कितना हो गया 7 BSD, और इस केस का 1 BSD कितने के बराबर है 0.11, उसमें 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.77 सेंटीमीटर। तो ये x2 कितना होगा, ये x2 कितना होगा, यहां लिख सकते हैं हम लोग x2 कितना होगा, 3.6 माइनस 0.77, 10 में 7 गया 3, 5 में से 7 गया 8, 2.83 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन कौन सही हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें दोनों एबनॉर्मल और नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का यूज किया गया। एक सवाल हम लोग और करेंगे, 2014 या 15 में आया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है वर्नियर कैलिपर का, तो हम लोग स्क्रू गॉज डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज रिलेटिवली आसान है वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर में बहुत सारे केसेस हैं, और दूसरा स्क्रू गॉज में वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे वर्नियर कैलिपर में, बस एक दो पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है तो आपका काम हो जाएगा। स्क्रू गेज, मोस्ट कॉमनली नोन एज द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड वाइडली फॉर precise measurement of small objects such as wires. The word screw gauge is used because this device is most commonly used. लिखिए, screw gauge क्या कहता है? जैसे ये वायर है, इस वायर का diameter measure करता है। लिखिए, screw gauge is a device. Screw gauge is a device most commonly used. Screw gauge, gauge या gauge जो भी पढ़ना है। Screw gauge is a device most commonly used in physics laboratory to measure diameter of wires. To measure diameter of wires accurately.
डायमीटर ऑफ वायर्स एक्यूरेटली, ठीक है। टू मेजर द डायमीटर्स ऑफ द वायर व्हिच इन टर्न आर गवर्न्ड बाय स्टैंडर्ड नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड वायर गेज। द वर्ड माइक्रोमीटर रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑन व्हिच द डिवाइस वर्क्स व्हिच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। प्रिंसिपल ऑफ, लिखिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किस का प्रिंसिपल पे काम करता है? माइक्रोमीटर स्क्रू। व्हेन एन एक्यूरेटली कट सिंगल थ्रेडेड स्क्रू इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज्ड, ये क्या होता है? आप वो देखे होंगे काटी नहीं स्क्रू, स्क्रू देखे हैं आप? स्क्रू और काटी में क्या फर्क होता है? स्क्रू में इस तरह से थ्रेडिंग होता है, इसको बोलते हैं थ्रेडिंग। क्या बोलते हैं? THREADING। जब आप फर्स्ट ईयर जाएंगे कॉलेज का, तो चाहे किसी भी ब्रांच में जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर के पहले ही दिन, दूसरे दिन आपको ये थ्रेडिंग करना सिखाया जाएगा। थ्रेडिंग करना सिखाया जाएगा मेटल के ऊपर, रॉड के ऊपर आप थ्रेडिंग करेंगे, उसके ऊपर कैसे ये बनाया जाता है ये सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो लेथ मशीन होता है एक, उस लेथ मशीन में इस तरह से पॉइंटर निकला हुआ होता है और उसको जो घुमा करके पूरा ये सेप पर सेप किया जाता है, इसका टेपरिंग किया जाता है। टेपरिंग मतलब एक साइड डायमीटर छोटा, एक साइड डायमीटर, और ये थ्रेडिंग किया जाता है, ये सिखाया जाएगा आपको। तो थ्रेडिंग में क्या होता है, ये अंदर में घसा हुआ होता है, अंदर में इसमें घुसाते हैं और इसमें थोड़ा सा निकला हुआ होता है, वो जाके फंसते जाता है, इसे घुमाते जाते हैं वो आगे बढ़ते जाता है। तो आप स्क्रू में देखे होंगे ये चीज, ऐसे घुमाते हैं तो वो आगे बढ़ते जाता है। तो क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किसमें कन्वर्ट होता है? फिटेड नट एंड रोटेटेड। इन एडिशन टू द सर्कुलर मोशन देयर इज आल्सो लीनियर मोशन ऑफ द स्क्रू अलोंग इट्स एक्सिस। This distance moved by the screw in one complete rotation of the screw is equal to the distance between its two consecutive threads. This distance is called the pitch and is always constant. लिखिए principle में पहला point लिखिए pitch। पहला point क्या लिखिए? Pitch। Pitch। What is pitch? तो लिखिए लीनियर डिस्टेंस मूव, लीनियर डिस्टेंस मूव इन वन रोटेशन, लीनियर डिस्टेंस मूव इन वन रोटेशन, उसको बंद कर दो। लीनियर डिस्टेंस मूव इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में जितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिच। ये याद रखिएगा, ठीक है, एक रोटेशन में। In this way, the small distances moved by the screw, which are the linear distances, are amplified into larger distances, which is the rotation of the screw. These rotations can be easily measured than the linear distances moved by the screw. Thus, the screw gauge is constructed in such a way that it incorporates the principle of micrometer screw. In addition to the screw and the nut, a U-shaped frame is attached at one end of the nut. This nut, also called the sleeve, has readings on it. These readings measure the linear distance moved by the screw. This scale is called the linear scale or the pitch scale. The other end of the U-shaped frame has a metal projection called the stud. When the screw is moved forward, the stud and the screw together hold the object firmly. The screw is attached to a milled head with a sloping edge which rotates over the sleeve. The sloping edge has a scale which is called as a circular or a head scale. To likhiye dusra point, a screw gauge has two scales. Vernier caliper mein bhi do scale tha, yahan par bhi do scale hai. Pehla scale ka naam likhiye, pehla scale isko bolte hain meter scale, सॉरी मीटर स्केल, मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल, मेन स्केल। यहां पे याद रखिएगा, इस मेन स्केल का एक नाम और है, इसको क्या बोलते हैं? पिच स्केल। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि मेन स्केल का एक डिवीजन जो है 1 MSD, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पिच, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पिच। क्या मतलब इसका?
जनरली हम लोग को दो तरह का इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, एक वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पिच 1 mm हो, जिसमें पिच, और एक वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पिच 0.5 mm हो, जिसमें पिच क्या हो 0.5 mm। ठीक है, तो अगर 1 mm पिच वाला डिवाइस है तो इसका जो मेन स्केल होगा इस तरह से, उसमें पहला मार्किंग 0 का होगा, दूसरा मार्किंग 1 का होगा, नेक्स्ट मार्किंग 2 का होगा, नेक्स्ट मार्किंग 3 का होगा, नेक्स्ट मार्किंग 4 mm का होगा, एंड सो ऑन। अगर पिच 1 mm है तो एक डिवीजन 1-1 mm का होगा, लेकिन अगर पिच 0.5 mm है तो पहला वाला 0 का होगा, दूसरा वाला 0.5 का होगा, तीसरा वाला 1 का होगा, चौथा वाला 1.5 mm का होगा, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि मेन स्केल रीडिंग इज 3 mm, तब तो कोई दिक्कत नहीं, 3 mm बोल दिया, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, बोल दिया अगर 3 mm तब तो 3 mm है। लेकिन कभी कभी बोलेगा कि मेन स्केल रीडिंग इज 3 divisions, 3 divisions, तो अब इस वर्ड का फर्क है, 3 divisions का मतलब इस वाले में 3 divisions का मतलब 3 mm है, और इस वाले में 3 divisions का मतलब, समझ रहे हैं? तो ये डिवीजन वर्ड से ध्यान रखिएगा, ये 3 divisions का मतलब 1.5 mm है। ठीक है, तो पहला स्केल क्या होता है, पिच स्केल। सो पिच स्केल ऐसे क्या बोलते हैं, मेन स्केल। दूसरा स्केल का नाम होता है सर्कुलर स्केल। दूसरा स्केल का क्या नाम होता है, और इस पर नंबर ऑफ डिविजन होते हैं, इस पर क्या होते हैं नंबर ऑफ। तो जनरली इस वाले केस में, पहले वाले केस में, इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 100 होता है। जनरली इस वाले में कितना होता है, और इस वाले में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 50 होता है। कितना होता है, 50। कितना होता है, और जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, इसका फॉर्मूला होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या फॉर्मूला होता है, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और पहले केस में देखें, इस वाले केस का लीस्ट काउंट कितना होगा, तो 1/100 मतलब 0.01 mm। जनरली लेबोरेटरी में यही वाला यूज होता है, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। लेकिन कभी कभी ये भी लिखा रहता है, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा 0.5/50, तो इसका भी 0.01 mm ही होगा, इसका भी 0. याद करिए, मेन स्केल जो नॉर्मल मीटर स्केल हम लोग आम भाषा में यूज करते हैं, आम का काम में, उसका लीस्ट काउंट 1 mm, उसका लीस्ट काउंट 1 mm, वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm, और स्क्रू गॉज का 0.01 mm, मतलब 1 mm जो इतना छोटा सा होता है उसका 100वां हिस्सा, उतना एक्यूरेट ये मेजरमेंट कर सकता है। सोचिए कितना प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं, लीस्ट काउंट निकालना सीख गए, स्क्रू गॉज का, पिच क्या होता है समझ गए, सर्कुलर स्केल पे डिविजन होते हैं, पिच को सर्कुलर स्केल डिविजन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, दो तरह के होते हैं। पिच डिसाइड करता है कि मेन स्केल पे कितना कितना का मार्किंग होगा, ध्यान रहेगा ये बात, इसको लिखिए जल्दी से। तो ये हम लोग सीख लिए कि पिच कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन क्या होता है, दो स्केल क्या होते हैं, और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। Pitch of the screw gauge is the linear distance moved by the screw divided by one rotation of the screw. To find out the pitch, the circular scale is rotated to bring the zero mark. देखिए, पिच निकालने का इसमें तरीका बताया गया, आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है। इसमें बताया गया कि मान लीजिए हम
ये देखिए ध्यान रखिएगा, स्क्रू गॉज में इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, इसको क्या बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और ये सर्कुलर स्केल का जीरो है, इसको हम लोग यहाँ रेफरेंस लाइन पे लाते हैं। अभी मेन स्केल का रीडिंग देखिएगा, ये मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का वन है, और फिर यहाँ मेन स्केल का टू है। मेन स्केल कितना है ये टू, जस्ट टू, यहाँ पे टू का रेफरेंस लाइन, ये टू का मान है, ठीक है। अब हम लोग इसको घुमाएंगे, एक बार घुमा के देख लेंगे कितना मूव किया, लेकिन कई बार एक बार घुमाने से पता ही चलता है, तो एक बार से ज्यादा भी घुमा सकते हैं आप, दो रोटेशन कर सकते हैं, तीन रोटेशन कर सकते हैं। तो अगर तीन रोटेशन में तीन एमएम, तो एक रोटेशन में एक, हमेशा पिच क्या होता है एक रोटेशन में जितना मूव किया, इसलिए फॉर्मूला लिखा गया पिच का डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ रोटेशन। स्केल और द पिच स्केल रीडिंग इज नॉट अ डाउट, वी काउंट द नंबर ऑफ डिविजंस ऑन द लीनियर स्केल कंप्लीटली अनकवर्ड बाय द कैप, हियर इट इज 2.0 मिलीमीटर्स। नाउ वी रोटेट द स्क्रू 5 टाइम्स when the zero mark of the circular scale again arrives at the reference line, one rotation is said to be completed. We again note down the linear scale readings after 5 rotations. It is 7 millimeters. We get the linear distance moved as 7.0 minus 2.0, which is 5 millimeters. Thus, pitch can be calculated as 5 millimeters divided by 5, which is 1 millimeter. The pitch of the screw is 1 millimeter or 0.1 centimeter. Therefore, the distance moved by the screw in one complete rotation of the circular cap is 1 millimeter. Now, the circular cap is divided into 100 divisions. Then, if the cap is moved through one division, then the distance moved is 1 by 100th of the pitch, which is the least count of the screw gauge. Pitch समझे क्या कहा गया है कि circular scale पे 100 division है, तो एक बार जब पूरा का पूरा घूमता है तो एक में move करता है, जब ये एक छोटा सा move किया होगा तो कितना move किया होगा, हम लोग कहेंगे कि 100 छोटे छोटे divisions जब move करते हैं तो एक में move करता है, तो एक छोटा में कितना किया होगा 1 mm by 100, उसी को least count. क्या बोलते हैं मिनिमम, जब ये एक डिवीजन ऊपर मूव किया तो हमें पता चल गया कितना ये मूव किया लीनियरली। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन द सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 mm व्हिच इज 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर व्हिच इज 10 टू द पावर ऑफ -5 मीटर्स व्हिच इज 10 इनटू 10 पावर ऑफ -6 दैट इज इक्वल टू 10 into micrometer. In addition, as the least count, देखिए, least count हम लोग अभी निकाले थे, उसके नीचे आप ये line लिख लीजिए, least count कितना होता है 0.01 mm या 0.01 centimeter, या इसी को 10 micrometer लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये micrometer के range में measurement कर सकता है, micrometer के range में measurement कर सकता है, इसलिए इसको micrometer screw gauge कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें लिख लीजिएगा, सिंस हम लिख देंगे, आप लिख लीजिएगा, लिख देते हैं, सिंस द लीस्ट काउंट इज इन माइक्रोमीटर रेंज, इज इन माइक्रोमीटर रेंज, सो इट इज कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, सो इट इज कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। द स्क्रू गेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, इट इज कॉल्ड एज द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। नाउ ईदर ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऑफ द स्क्रू गेज और ड्यू टू द वेयर एंड टेयर ऑफ द स्क्रू थ्रेड्स which gives rise to irregular gaps or increased gaps, the given screw gauge may be subjected to contain the most commonly occurring errors, which are known as zero error and the backlash error. Sometimes in the given screw gauge, when the screw completely touches the fixed stud, the zero of the circular scale does not... देखिएगा, सुनिएगा। दो तरह का error, इसमें भी zero error होगा।
जब पूरा का पूरा टच हो जाए, दोनों जॉज, दोनों स्टड और स्क्रू टच हो जाए, कोई भी गैप नहीं है, कुछ भी पुट नहीं किए, तब सर्कुलर स्केल का जो जीरो होना चाहिए वो रेफरेंस लाइन के सीध होना चाहिए। सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के अगर है सीध में तो कहेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। तो मैं यहां जीरो एरर के तीन केस बना रहा हूं, देखिए हम यहां जीरो एरर के तीन केस बना रहे हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, रेफरेंस लाइन। सो क्या कहेंगे, रेफरेंस लाइन, जो कि मेन स्केल पे होता है, ऐसे लाइन होता है। और ये क्या है, सर्कुलर स्केल। ये क्या है, सर्कुलर स्केल। तो अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इसी रेफरेंस लाइन के सीध में है तो क्या कहेंगे, नो जीरो एरर। क्या कहेंगे, नो जीरो एरर। और जीरो एरर कब होता है, व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द जॉज, व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन जॉज। और यहां जॉज के जगह यूज किया जा सकता है स्टड एंड स्क्रू, स्टड एंड कुछ भी नहीं पुट किए हैं तो जीरो इसके सीध में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहेंगे दो जीरो एरर। लेकिन दो केसेस और भी हो सकता है कि ये जो रेफरेंस लाइन हो इससे जीरो ऊपर, जीरो इससे, और दूसरे केस में ये रेफरेंस लाइन है तो जीरो इससे नीचे। तो ध्यान रखिएगा, ये तो हमने डायग्राम बना लिया तो आपको ऊपर नीचे पता चल गया, लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे कहेगा। क्वेश्चन में जब इसको कहेगा तो देखिए जीरो है तो यहां वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, मतलब कुछ एन लिखेगा कि फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। क्या लिखेगा, और यहां क्या होगा, ये जीरो है तो वन तो आगे है तो ये 99 होगा, 98 होगा, 96 होगा, 96 या 97 जो भी होना होगा, 99, 98, 97, 96। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर 100 डिवीजन वाला है, 100 डिवीजन वाला है सर्कुलर स्केल और 50 से ज्यादा का कोई डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो ये केस है 50 से, और अगर 50 से कम वाला है तो ये वाला, ठीक है। और अगर 50 डिवीजन वाला स्क्रू गेज है तो 25 से ज्यादा है तो ये केस है और 25 से कम है तो ये केस है, याद रखना, ठीक है। 25 से कम है तो ये केस, 25 से ज्यादा केस है तो ये वाला। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर। तो क्या बोलते हैं, 25 नहीं रहेगा, आधा नहीं रहेगा। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। इसको क्या बोलते हैं, अब इसमें कंफ्यूज होता है सर किसको पॉजिटिव बोलते हैं किसको निगेटिव। तो याद रखिएगा कि एक छाता लेके जा रहे थे बारिश में और बारिश बहुत तेज की थी तो छाता पलट गया, उल्टा हो गया। तो ये छाता है, देखिए उल्टा हो गया ऐसे, छाता ऐसे उसको देखोगे ऐसा दिखेगा ना जी, ठीक। इसको ऐसे घुमाओगे तो ये जीरो यहां है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो जीरो लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट में जब जीरो होता है तो निगेटिव जीरो। और निगेटिव जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला जो पहले होता था, माइनस, वहां 10 होता था क्योंकि वन ईयर स्केल पे 10 डिविजन्स थे। यहां क्या लिखेंगे, 100 माइनस n इनटू लीस्ट काउंट। और ये 100 क्यों लिखे हैं, क्योंकि सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल वो 100 है। अगर 50 होता तो 50 माइनस n वाले लिखते हैं, ध्यान रखते हैं। और ये कौन सा जीरो एरर है, उधर जो दिखाया मैंने ये पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो का फॉर्मूला सीधा सा प्लस n इनटू लीस्ट काउंट, जैसे जो डायग्राम मैंने दिखाया है उसमें पॉजिटिव जीरो एरर कितने का है, प्लस 4 इनटू 0.01 mm, तो प्लस 0.04 mm। और इसमें कितने का नेगेटिव जीरो एरर, ये जो मैंने दिखाया है, माइनस 100 माइनस 96 तो 4 ही होगा, तो 0.04 mm। समझ गए, ये लिख लीजिए तीन के जीरो एरर, नो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। ये जीरो एरर की बातें बिल्कुल वैसे हैं जैसे हम लोग वन ईयर कैलिपर में किए थे, तीन तरह का जीरो एरर, नो जीरो एरर, पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर्मूले भी वैसे ही हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि रीडिंग का एक ही फॉर्मूला होता है, इसमें कोई एबनॉर्मल नॉर्मल वन ईयर कैलिपर नहीं होता, एक ही तरह का रीडिंग निकालने का तरीका होता है। और बहुत आसान सा वही वाला, MSR plus n times of least round, MSR plus n times of, तो हम
देखते हैं कैसे निकालते हैं रीडिंग। Coincide with the reference line, then the instrument is said to contain the zero error. When the ratchet is rotated, there is a certain lag in the linear movement of the screw, which is indicated by the jerky motion of the screw. In some other cases, the screw does not start moving immediately in the opposite direction when the ratchet is rotated in the reverse direction. This is due to the improper alignment of threads, which gives rise to increased gaps. This type of error is called as the backlash error. Calculating zero error. In order to find out the amount of zero error the device contains, the position of the zero of the circular or the head scale with respect to the reference line is observed. The screw gauge is turned upright down with its U-shaped frame at the bottom and the ratchet at the top. For example, in screw gauge A, when the zero of the circular scale is to the right of the reference line of linear scale, it can be imagined as if an object is being placed and the screw gauge is already measuring a certain distance, which in reality it is not. Thus, the screw gauge is measuring an extra length, and hence this extra length should be subtracted from the observed length to obtain the actual length. This type of error, in which the zero of the circular scale is to the right of the reference line of the linear scale, is called as the positive error, and the correction we make is negative. Here, in this case, the 11th division of the circular scale coincides with the reference line. Thus, the extra length it measures is 11 into 0.001 centimeters. The correction is minus 11 into 0.001 centimeters. Similarly, in screw gauge B, the zero of the circular scale is to the left of the reference line. The device is measuring less distance than the actual length. Therefore, this distance is added to the observed length to obtain actual length. This type of error is called negative zero error, and the correction is positive. In this case of screw gauge B, the 90th division of the circular scale coincides with the reference line. Therefore, the zero error is 10 into 0.001 centimeters, and the correction is plus 10 into 0.001 centimeters. After determining the least count, pitch and the zero error of the screw gauge, we are now ready to find out the length of any object. Let us say, to find out the diameter of a wire, we place the wire between the fixed stud and the screw by slowly moving the screw with the help of the ratchet until the wire is gently held. The diameter of the wire is nothing but the distance the screw moved from position A to position B. This distance is equal to length of the portion x plus length of the portion y. तो रीडिंग क्या होगा? देखिए, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किया है, तो ये पूरा लेंथ रीडिंग है। पूरा लेंथ क्या है? तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ मैं देख नहीं सकता इसके ऊपर। ये मेन स्केल का जीरो है। उसके बाद मेन स्केल का 1 mm कितना है? ये 1 mm वाला है। इसलिए पहला रीडिंग 1 mm का है। अगर 0.5 mm पिच वाला होता तो ये कितना होता? 0.5 mm होता। ये ध्यान रखना। तो ये भी 1 mm वाला है। तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जिस रीडिंग के बाद से शुरू हो, जैसे वहां पे वर्नियर स्केल का जीरो कहते थे, यहां पे सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जिस रीडिंग के बाद से शुरू हो उस रीडिंग को मेन स्केल रीडिंग कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? जो कि यहां पे 1 mm है। तो मैं इसको अब डायग्राम से खुद से बना के दिखाता हूं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये रेफरेंस लाइन है, ये जीरो है और ये 1 mm का है, और इसके बाद से सर्कुलर स्केल शुरू हो गया। इसके बाद से क्या शुरू हो गया? तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जिस रीडिंग के बाद से शुरू हुआ, इस रीडिंग को क्या कहेंगे? मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 1 mm।
इसके बाद सर्कुलर स्केल का कोई एक लाइन इसके सीध में होगा। सर्कुलर स्केल का जो लाइन इस रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 30, कितना है 30, तो इसको n कहेंगे। क्या कहेंगे? n। और रीडिंग का वही फॉर्मूला, रीडिंग इज इक्वल्स टू क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट। इसको हम लोग कैलकुलेटेड रीडिंग कहेंगे। सो क्या कहेंगे? कैलकुलेटेड रीडिंग। जैसे यहां पे मेन स्केल रीडिंग है 1 mm प्लस n का वैल्यू है 30 और लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 mm, ये हो जाएगा 1.3 mm। कितना हो जाएगा 1.3 mm। और अगर एरर है इसमें तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एक्चुअल रीडिंग। क्या निकालेंगे? एक्चुअल रीडिंग क्या होता है? कैलकुलेटेड रीडिंग, कैलकुलेटेड रीडिंग माइनस एरर विद साइन, एरर विद, ठीक है। और बस यही जानना है आपको इसमें, स्क्रू गेज में। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। इसमें प्रैक्टिस करिए पूरा सीट, और कोई डाउट हो तो पूछिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।